अगर आपने भी हरियाणा बोर्ड का एग्जाम दिया था तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। दरअसल जो रिजल्ट की तारीख है ना, उसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी आई है। सो अगर आपने भी 10th और 12th वाला एग्जाम दिया था ना, तो आप अपने एडमिट कार्ड के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि रिजल्ट किसी भी वक्त अनाउंस किया जा सकता है। रिजल्ट जब आएगा तो वो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि BSEH.org.in यहां पर लाइव कर दिया जाएगा। आप अपने रोल नंबर की मदद से इसे चेक भी कर पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी वेबसाइट ही ना खुले, क्या हो कि आप उसको एक्सेस ही ना कर पाए। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं और डर जाते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। देखिए, अक्सर ऑब्वियस है ऐसा होना, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट की बात है और ऐसे में आपकी वेबसाइट नहीं खुलती तो टेंशन तो हो ही जाती है। लेकिन आपको डरने की, घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी इंतजाम किया है जो ऑफिशियल वेबसाइट को रिजल्ट वाले दिन एक्सेस नहीं कर पा रहे या फिर उनकी वेबसाइट नहीं खुल पा रही। आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो वेबसाइट से रिजल्ट देखने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है और साथ ही SMS से रिजल्ट देखने का तरीका क्या है, दोनों चीजें आपको इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में चलिए बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं NBT टेक एड। हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15th ऑफ मई तक रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो चाहे आपने 10th का एग्जाम दिया हो या फिर 12th का एग्जाम दिया हो, दोनों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि BSEH.org.in यहां पर रिजल्ट लाइव कर दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद होम पेज पर आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, लिंक पर आपको करना होगा क्लिक और उसके बाद आपको दर्ज करना होगा अपना क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल दर्ज करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे ना, तो आपके स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए और फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए एक हार्ड कॉपी भी रख लीजिए। सो ये बात हो गई वेबसाइट की। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं चलती है, इंटरनेट काम नहीं करता है या फिर आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में SMS आपकी पूरी मदद करने वाला है। बस आपको अपना फोन लेना होगा, फोन के SMS बॉक्स को ओपन करना होगा और जब आप फोन का SMS बॉक्स खोलेंगे ना, तो उसमें आपको टाइप करना है रिजल्ट HB10/12/12। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने 10वीं का एग्जाम दिया था तो आप 10 लिखिए, अगर 12वीं का एग्जाम दिया था तो आप उसमें 12 लिखिए, यानी कि रिजल्ट HB10/12, उसके बाद आप दीजिए स्पेस और उसके बाद आप लिखिए रोल नंबर। जब आप ये मैसेज टाइप कर देंगे ना, जो आपको हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो उसके बाद उसे आपको भेज देना है 56263 पर। जब आप इस नंबर पर अपना टाइप किया हुआ मैसेज भेजेंगे ना, तो आपके स्क्रीन पर SMS के जरिए आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब आप आगे एडमिशन लें तो आप इसकी मदद ले पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2024 अपडेट। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, रिजल्ट से जुड़ा एक और अपडेट लेकर आएंगे आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।